नमस्कार दोस्तों, स्टडी कीड़ा एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं बलबीर सैनी आप लोगों का स्वागत करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग ग्रामर के सभी टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और इसमें हम सारे ही टॉपिक्स ग्रामर के वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स अच्छे लगें तो आप हमारे चैनल के ऊपर आप इनको सब्सक्राइब करें और इनको जो भी कमेंट्स आप लोगों को देने हैं वो आप कमेंट्स आप हमको दें। तो ये एग्जाम्स ऑफ पॉइंट के लिहाज से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन से, ठीक है। तो देखो, प्रीपोजिशंस एक ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, क्योंकि प्रीपोजिशन का सही यूज़ कहाँ और कैसे किया जाना चाहिए इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनको रट कर के हम तैयार नहीं कर सकते। इनके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है और उसके लिए रूल्स के द्वारा हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशन होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो इसका मतलब क्या है कि प्रीपोजिशन का यूज किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है। दैट शोज द रिलेशन टू द अदर वर्ड्स इन ए गिवन सेंटेंस। इसके अलावा नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके उस सेंटेंस में जितने भी बाकी शब्द होते हैं उनके साथ प्रीपोजिशन अपने संबंधों की विवेचना करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रीपोजिशन का यूज़ हमें कहाँ करना चाहिए, या तो नाउन से पहले और या प्रोनाउन से पहले, ठीक है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें प्रीपोजिशन एट इसका अर्थ क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ आती है कि उनके दिमाग में मोस्टली वो एक ही अर्थ प्रीपोजिशन का होता है, लेकिन एक एक प्रीपोजिशन के कई कई अर्थ बनते हैं और उन्हीं अर्थ के आधार पर कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें उनके प्रीपोजिशंस को फिल करना पड़ता है। तो एट का अर्थ क्या है, देखिए, पर, में, या की ओर या की तरफ या की दिशा में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि एट का यूज़ हम कहाँ करेंगे। नंबर एक, पर्टिकुलर टाइम, यानी कि स्पेसिफिक या शार्प टाइम जब भी सेंटेंस में दिया गया हो तो उससे पहले हमें प्रीपोजिशन एट का यूज़ करना होता है, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर या शार्प टाइम है हमारा एएम, पीएम, ओ क्लॉक। जैसे हो सकता है कि 10 एएम, 11 एएम या 1 पीएम, 2 पीएम इस तरीके से कुछ भी दिया गया हो, है ना। तो जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, द ट्रेन फॉर मुंबई लीव्स एट 4:30 पीएम। तो इस सेंटेंस के अंदर 4 PM ये इसमें हमारा पर्टिकुलर या शार्प टाइम है और शार्प टाइम होने के कारण यहाँ हमने प्रीपोजिशन इसमें यूज की है एट द ट्रेन फॉर मुंबई, यानी कि मुंबई के लिए जाने वाली ट्रेन लीव्स एट 4 AM कितने बजे जाती है, 4 PM के ऊपर जाती है। तो इसमें 4 PM जो है ये हमारा शार्प टाइम है और इसीलिए इससे पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आवर क्लास, आवर क्लासेस स्टार्ट एट 9 AM, हमारी कक्षाएं 9 बजे स्टार्ट होती है, यानी कि सुबह के 9 बजे स्टार्ट होती है, ये बिल्कुल शार्प टाइम है और इसीलिए इससे पहले एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट, मिस्टर वर्मा विल कम हेयर एट 1 o'clock। मिस्टर वर्मा यहाँ पर 1 o'clock यानी कि 1 बजे यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर एट का अर्थ क्या चल रहा है, पर, और ये बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम है और स्पेसिफिक टाइम होने के कारण इसमें यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं एट।
लेकिन ध्यान देने वाली बात जहां मोस्टली गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि जब भी ये शार्प टाइम होता है एएम पीएम या ओ क्लॉक तो इनसे पहले प्रीपोजिशंस दूसरी भी आ सकती है, जैसे कि बाई का यूज भी हो सकता है या सिंस का यूज भी किया जा सकता है। तो इन डिफरेंसेस को हम लोग समझेंगे कि ये डिफरेंस कब कहाँ और कैसे हमें ध्यान में रखना है। तो जरा इसको एक बार आप गौर से देखिएगा कि निश्चित समय जैसे एएम पीएम या ओ क्लॉक से पहले प्रीपोजिशंस बाई या सिंस का यूज भी किया जाता है, ठीक है। तो ये यूज हम किस तरीके से करेंगे तो इसको हम जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सिंस का यूज पर्टिकुलर या शार्प टाइम से पहले हम कब करेंगे, जब सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर दिया गया हो, तो निश्चित समय होने के कारण उसमें हमेशा सिंस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे ये जो सेंटेंस है, दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 PM, दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 AM, वो शाम के 5 बजे से टीवी देख रहे हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर हैव बीन, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ing लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है हैज बीन या हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ing। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो उनमें हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को दिखाई देगी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब वन प्लस में ing। तो पर्टिकुलर या शार्प टाइम होने के कारण हमेशा हम प्रीपोजिशन सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, एएम पीएम या ओ क्लॉक से पहले प्रीपोजिशन बाई का यूज भी किया जाता है, और ऐसा कब होगा, जब सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस के अंदर होगा। तो शार्ट टाइम जब भी दिखाई देगा तो इसका मतलब टाइम लिमिट की कंडीशन उसमें दिखाई गई होगी, ठीक है। तो टाइम लिमिट होने के कारण हमेशा उस शार्प टाइम से पहले बाई प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग गौर करेंगे, द मीटिंग विल हैव फिनिश्ड बाय 3 PM। इसका मतलब है कि मीटिंग दोपहर में 3 बजे तक फिनिश हो चुकी होगी, पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो विल हैव, ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो परफेक्ट टेंस में होने के कारण और निश्चित समय होने के कारण हमेशा इसमें प्रीपोजिशन बाय का यूज करना है। तो यहां ध्यान देंगे कि जब सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस में हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो प्रीपोजिशन सिंस और बाय का यूज किया जाता है, लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन सेंटेंस में दिखाई ना दे तो ऐसे में हमें एट प्रीपोजिशन का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा घड़ी के द्वारा समय बताने के लिए निश्चित समय से पहले बाय प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो एएम पीएम ओ क्लॉक प्लस बाय प्लस में वॉच, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस को थोड़ा सा गौर करके हमें देखना पड़ेगा कि टाइम पहले होता है, ठीक है, और प्रीपोजिशन बाद में आएगी और इसमें घड़ी का जिक्र किया गया होगा। लेकिन अगर बाय द वे टाइम बाद में दिया गया हो तो फिर प्रीपोजिशन या तो सिंस का यूज करना है, ठीक है, और या फिर बाय का जब परफेक्ट टेंस के अंदर दिया गया हो। घड़ी के द्वारा जिक्र होने पर टाइम हमेशा पहले ही होगा और उसके बाद में प्रीपोजिशन बाय का यूज होता है और उसके बाद में वॉच। जैसे इट इज 12 o'clock बाय माय वॉच। तो इस सेंटेंस के अंदर 12 o'clock, ये जो हमारा शार्प टाइम है, ये पहले है और प्रीपोजिशन बाय का इसके जस्ट बाद में यूज हुआ है और आगे घड़ी के बारे में यानी कि वॉच के बारे में जिक्र किया गया है।
तो इट इज 12 o'clock by my watch, तो मेरी घड़ी के अनुसार 12 बजे हैं, ठीक है। तो इसमें शार्प टाइम पे ये पहले होगा, प्रीपोजिशन बाय का यूज उसके बाद में करना है, आगे घड़ी के बारे में जिक्र होगा। इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल को देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के अनुसार कितना समय हुआ है। तो इसमें टाइम पहले है और प्रीपोजिशन बाय ये बाद में यूज हो रही है और बाद में लास्ट में वॉच के बारे में जिक्र है। तो जब भी घड़ी के द्वारा समय बताया जाए तो ऐसे में बाय प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो इस डिफरेंस के ऊपर अपन गौर करेंगे कि जब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा तो हम सिंस का यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस में होगा तो शार्प टाइम से पहले टाइम लिमिट होने के कारण हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और इसके अलावा घड़ी के द्वारा जब भी जिक्र किया जाएगा तो ऐसे में हमेशा बाय प्रीपोजिशन का टाइम के बाद में यूज होता है। नेक्स्ट एट का यूज, अगला पॉइंट टेम्परेचर बताने के लिए। तो जब भी टेम्परेचर यानी कि तापमान के बारे में सेंटेंस में उल्लेख किया गया हो तो ऐसे में प्रीपोजिशन एट का यूज होना चाहिए। जैसे वाटर टर्न्स इनटू आइस एट 0 degree centigrade, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखो कि 0 degree centigrade ये जो है ये हमारा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर से पहले हमने एट का यूज किया है कि वाटर जो है वो 0 degree centigrade के ऊपर बर्फ के अंदर बदल जाता है, तो इसलिए एट का यूज यहां पर किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, इन विंटर एट सम प्लेसेस द टेम्परेचर गोज एट -35 degree centigrade, ठीक है। तो विंटर के समय में बहुत सारे स्थानों के ऊपर -35 degree centigrade से भी कम टेम्परेचर हो जाता है, तो ये टेम्परेचर 35 degree centigrade दिखाई दे रहा है और इसीलिए इससे पहले प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड बताने के लिए, ठीक है, स्पीड यानी कि गति बताने के लिए। जैसे मिस्टर टंडन ड्राइव्स हिज कार एट 60 kilometers an hour, ठीक है। मिस्टर टंडन अपनी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 60 किलोमीटर जो है ये स्पीड को मेंशन किया गया है और स्पीड होने के कारण प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो स्पीड से पहले हमेशा प्रीपोजिशन हमें कौन सी यूज करनी है, एट यूज करनी है। नेक्स्ट रेट यानी कि किसी भी वस्तु की दर बताने के लिए। जैसे मिस्टर शर्मा बोट बनानास एट ₹40 a dozen। मिस्टर शर्मा ने केले खरीदे हैं, किस रेट के हिसाब से खरीदे हैं, ₹40 per dozen के हिसाब से। तो जब भी सेंटेंस में लीटर मीटर ग्राम डजन स्कोर यार्ड ये तमाम चीजें दिखाई दे, ठीक है, तो इसमें अगर वस्तु की रेट दिखाई देती है तो हमेशा प्रीपोजिशन एट का यूज होता है और इसमें आर्टिकल हमेशा ए का यूज होता है। लेकिन जब वस्तु की रेट नहीं होती तो प्रीपोजिशन एट का यूज नहीं होता, उसमें प्रीपोजिशन बाय का यूज होता है, और बाय के साथ में आर्टिकल ए का यूज ना हो करके आर्टिकल द का यूज यूनिट ऑफ मेजरमेंट होने के कारण किया जाता है। तो इस पर गौर करेंगे कि अगर वस्तु की रेट दी गई हो तो ऐसे में हमेशा प्रीपोजिशन यूज एट करना है, और अगर वस्तु की रेट नहीं है तो हमेशा बाय प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिल्कमैन सोल्ड मिल्क एट ₹50 a liter। तो इस सेंटेंस में फिर वापस से देखो, इसमें लीटर, मिल्कमैन ने दूध ₹50 per liter के हिसाब से बेचा है, तो इसमें ₹50 ये हमारी उस मिल्क की रेट हो गई है। तो रेट होने के कारण यहां हमने प्रीपोजिशन यूज की है एट। नेक्स्ट, उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा एज शो करने के लिए प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है। जैसे
ही वेंट टू कॉलेज एट 17 ईयर्स, वह 17 साल की उम्र में कॉलेज गया। तो इसमें 17 ईयर्स ये एज शो हो रही है, तो एज शो होने के कारण इसमें प्रीपोजिशन एट का यूज हो रहा है। नेक्स्ट, पद्मिनी कोल्हापुरे केम इन द फिल्म इंडस्ट्री एट 7 ईयर्स। पद्मिनी कोल्हापुरे, ठीक है, तो इन्होंने फिल्म के इंडस्ट्री के अंदर पहली बार कदम कब रखा था, जब वो 7 साल की एज के अंदर थी। तो 7 ईयर इसमें एज आ रही है और एज होने के कारण प्रीपोजिशन एट का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी एज दी गई हो तो एज से पहले प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू शो स्मॉलर प्लेस, यानी कि जब स्मॉलर प्लेस छोटा स्थान दिया गया हो, जैसे किसी गांव का नाम हो सकता है नेम ऑफ विलेज, यानी कि नेम ऑफ विलेज जब प्रॉपर नाउन के रूप में दिया गया हो। विलेज शब्द ये एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी गांव का नाम इसमें आ रहा हो तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के रूप में जब भी विलेज होगा, टाउन होगा या सिटी होगी, तो इनसे पहले हमेशा प्रीपोजिशन एट का यूज करना चाहिए। लेकिन सिटी के मैटर पे यहाँ थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, सिटी अगर छोटी सिटी है तो हमेशा प्रीपोजिशन एट का यूज होता है, लेकिन अगर बड़ी सिटी है या मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो ऐसे में हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाना चाहिए। जैसे इन एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग इनको समझेंगे जरा। द माउंटेन मैन दशरथ माझी, द माउंटेन मैन दशरथ माझी लिव्स एट, यहाँ ये विलेज का नाम, ठीक है, ये जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है यहाँ ये विलेज का नाम प्रॉपर नाउन के रूप में होना चाहिए। और आगे लिखा है ए स्मॉल विलेज इन बिहार, ठीक है, तो यानी कि बिहार के एक छोटे से गांव में जो यहाँ पर उस गांव का नाम होगा, ठीक है, तो गांव का नाम प्रॉपर नाउन में होने के कारण एट प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑर्गेनाइज्ड ए बिग रैली एट रेवाड़ी। तो रेवाड़ी जो है ये एक स्मॉलर सिटी है, छोटी सिटी है, तो छोटी सिटी होने के कारण यहाँ पर हम एट प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर रेवाड़ी की जगह मान लीजिए कि कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, पटना वगैरह कोई भी हो सकती है, तो ऐसे में हम प्रीपोजिशन एट का यूज ना करके हमें इनका यूज करना चाहिए। लेकिन छोटी सिटी के लिए हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए। इसके डिफरेंस के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। बिग सिटी, ठीक है, बड़ा शहर, जैसे कि अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, तो बिग सिटी कोई भी हो या मेट्रोपॉलिटन सिटी या डिस्ट्रिक्ट का कोई भी नाम अगर दिया गया हो या स्टेट या कंट्री का नाम अगर दिया गया हो प्रॉपर नाउन के रूप में, ठीक है, तो ऐसे में इनसे पहले हमेशा प्रीपोजिशन इनका यूज होता है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब भी मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी, डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, कोई भी स्टेट का नाम, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, हरियाणा हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, वेस्ट बंगाल हो सकता है, तो जब स्टेट का नाम आएगा प्रॉपर नाउन के रूप में तो ऐसे में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए। जैसे इन जयपुर, इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, इसमें अगर केवल रेवाड़ी आता है तो ये सिटी है, तो इससे पहले एट का यूज होगा। लेकिन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट से पहले हमेशा इन का यूज करना है, इन हरियाणा, इन राजस्थान, इन इंडिया, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, निश्चित तारीख को आने वाले त्योहार। कुछ फेस्टिवल्स जो हैं ये हमेशा फिक्स डेट को ही आते हैं, और ऐसा कोई भी फेस्टिवल जो पर्टिकुलर डेट को आता है तो उस फेस्टिवल के नाम से पहले हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए। जैसे एट
मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति ये 14th जनवरी को आता है। अगर 14th जनवरी लिखा है तो हमें प्रीपोजिशन ओन का यूज करना चाहिए, लेकिन अगर मकर संक्रांति प्रॉपर नाउन में इस तरीके से फेस्टिवल का नाम आ रहा है तो यहां एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। एट लोहड़ी, लोहड़ी ये 13th जनवरी को ये फेस्टिवल आता है। अगर 13th जनवरी लिखा है तो ओन प्रीपोजिशन का यूज होना चाहिए, लेकिन लोहड़ी से पहले एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एट बिहू, एट क्रिसमस और एट ईस्टर, इन सभी से पहले एट का यूज होता है। यहां थोड़ा गौर करने की जरूरत है, अगर क्रिसमस के साथ में डे शब्द इंक्लूड हो तो ऐसे में हमेशा प्रीपोजिशन ओन का यूज होता है, लेकिन अगर अकेला क्रिसमस दिया गया हो तो एट प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए। नीचे नोट के अंदर कुछ खास बात इसमें दी गई है तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे ओन होली, होली जो फेस्टिवल है इसकी तारीख हमेशा चेंज होती रहती है, ये फिक्स डेट को नहीं आता है, तो इससे पहले ओन का यूज हो रहा है। दिवाली, रक्षाबंधन, तीज, इस प्रकार का कोई भी दूसरा फेस्टिवल होगा तो इन फेस्टिवल से पहले हमेशा ओन प्रीपोजिशन का यूज करना है। क्यों? क्योंकि अनिश्चित तारीख को आने वाले त्योहार से पहले हमेशा ओन प्रीपोजिशन का यूज होता है। लेकिन इसमें आगे अपन ध्यान देंगे डिफरेंस में ही कि रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे, जिनके अंदर ये डे शब्द इंक्लूड होता है तो इनसे पहले हमेशा ओन प्रीपोजिशन का यूज कर